बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज दो बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। पहली 25% डिस्पैरिटी अलाउंस के बारे में, और दूसरी अपडेट वो डिपार्टमेंट की बात करूंगा जिनको 25% नहीं मिलेगा। वो 10 डिपार्टमेंट है हुकूमत सूबा पंजाब की तरफ से, वजारत खजाना की तरफ से, जिसकी निशानदेही की गई है। तो पहली खबर की तरफ चलते, तमाम खदशात तमाम अबहाम दूर कर दिए गए। आज पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 25% के हवाले से अपडेट लगा दी गई। आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 25% जो तनख्वाहें हैं उसमें इजाफा किया गया और 1 जून से किया गया है। 10 से 15% इसमें तजवीज़ दी गई थी, लेकिन सब कमेटी की तरफ से और जो मुलाजमीन का एहतजाज और धरने को देखते हुए हुकूमत ने फैसला किया कि 25% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, और वह भी 1 जून से किया जाए और उससे हटकर किया जाए, और जो वफाकी तर्ज पर किया जाए, और जो वफाक दोबारा 2021 और 2022 में इजाफा करेगी वो भी अलहदा दिया जाएगा सूबाई हुकूमत की तरफ से। तो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं जिस पर उन्होंने अपनी अपडेट जारी कर दी। दूसरी बड़ी खबर की तरफ चले, वजारत खजाना ने 10 अदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके बारे में अपडेट जारी कर दी। पंजाब पुलिस उसमें शामिल हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, डिस्ट्रिक्ट जुडिशनरी, इसके अलावा एंटी करप्शन, लाहौर हाईकोर्ट, स्पेशल एजुकेशन, जेल खाना जात, सिविल सेक्रेट और जनूबी पंजाब सेक्रेट। ये वो डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर अजाफी अलाउंस यूटिलिटी अलाउंस की मद में या एग्जेक्टिव अलाउंस की माद में 100 से 150% अजाफी दिया जाता है। तो इस हवाले से हुकूमत अब ये चाह रही है कि इन डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी जितने मलाजमीन हैं जिनको ये चीज़ें अजाफी अलाउंसेस नहीं मिलते, उनकी तनख्वाहों में ये 25% का इजाफा किया जाएगा। आज की ये बड़ी अपडेट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।